हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन राहुल आर्ट्स। आज हम सीखेंगे जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का डायग्राम ड्रॉ करना। सो स्टूडेंट्स, स्केल की हेल्प से आप एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद जैसा आपको शो किया जा रहा है, जो भी डबल लाइनिंग, आप पहले एक साइड ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद साथ साथ में जो भी हेलिक्स हैं उसकी डबल लाइनिंग आप ड्रॉ कर लीजिए। इस टाइप से आप सीधी लाइन ड्रॉ करिए पहले दो। नेक्स्ट आप अपोजिट साइड में अगेन दो लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये अभी हम रफ स्केच ड्रॉ कर रहे हैं। उसके बाद जो भी फाइनली जो एक हेलिक्स की जो टर्न है ये हम ड्रॉ करेंगे। सो पूरा का पूरा जो भी रफ स्केच है स्टूडेंट्स, आप इसको इरेज कर दीजिए। नेक्स्ट जो भी लाइन हमने ड्रॉ की थी इनको आप बीच बीच से हाईलाइट करके जो भी एंड है वहाँ आप इनको राउंडेड कर दीजिए, क्योंकि हम बायो का डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं और बायो के डायग्राम में मोस्टली जो भी हम कर्विंग ही देते हैं। नेक्स्ट जो भी नाइट्रोजीनियस बेस प्रेजेंट होते हैं इनको हम ड्रॉ करेंगे। सो आप डबल नाइट्रोजीनियस बेस आप ड्रॉ कर दीजिए, एडेनिन, थायमिन, ग्यूनिन, साइटोसिन, ये नाइट्रोजीनियस बेस हैं विच आर प्रेजेंट इन द डीएनए। सेम स्टूडेंट्स, आप पहले एक साइड से कर्विंग दीजिए, उसके बाद बीच में आप 2-3 नाइट्रोजीनियस बेस ड्रॉ कर दीजिए। जो भी डीएनए का जो हेलिक्स है इसका जो टर्न है इट इज ऑलवेज राइट हैंडेड। यहाँ पर जो भी नाइट्रोजीनियस बेस हैं उसमें एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ में अटैच्ड होगा विद द हेल्प ऑफ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, और जो भी ग्यूनिन है इट इज बॉन्डेड विद साइटोसिन विद द हेल्प ऑफ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। सो इस टाइप से आप डायग्राम ड्रॉ कर दीजिए। एक साइड से आप जो भी नाइट्रोजीनियस बेस ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स, इनको आप हाईलाइट कर दीजिए, थोड़ा सा डार्क कर दीजिए। जो डीएनए है इट एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल एंड द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इज जीन। जो भी एक ऑफस्प्रिंग और वी कैन से कोई भी जो एक चाइल्ड होता है उसमें हाफ ऑफ द डीएनए कंटेंट होगा फादर का एंड हाफ ऑफ द डीएनए कंटेंट होता है मदर का। सो इस टाइप से सारे के सारे जो भी हेलिक्स हैं इनको हम ड्रॉ कर देंगे। पेंसिल के साथ आप अच्छे से जो भी इनके एंड हैं स्टूडेंट्स उनके आप फिनिशिंग दीजिए, ताकि पूरा का पूरा जो भी अपना डीएनए का जो डायग्राम है ये बहुत ही अच्छा ड्रॉ हुए। आप पेंसिल थोड़ी सी शार्प रखिए, जहाँ पर आप डार्क करना चाह रहे हैं वहाँ आप थोड़ा सा रफ कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।